ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पीएचक्यू पहुंच गए हैं। आज एक अहम बैठक लेने वाले हैं पीएचक्यू के अंदर, जहां पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद होंगे और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये एक अहम बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। ये सीधी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और पुलिस के आला अधिकारी डीजीपी मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। पीएचक्यू में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज तमाम पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे और तय करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था प्रदेशवासियों की पुख्ता हो और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। तो उसी को लेकर पीएचक्यू के अंदर आज एक अहम बैठक, और इस बैठक के अंदर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और अपराधों पर किस तरह से लगाम कसी जाए, इसको लेकर इस बैठक के अंदर बातचीत होगी। आपको बता दें, पीएचक्यू के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तमाम आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का पहुंचते ही स्वागत किया, जिसके बाद अब मीटिंग शुरू होगी और बैठक के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी, मंथन किया जाएगा, साथ ही तय किया जाएगा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, उसी को लेकर ये अहम बैठक होगी। काफ़ी समय से मुख्यमंत्री जो लगातार मैराथन दौरे ले रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर दौरे कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं जनता से, उसी फीडबैक के चलते आज जयपुर पीएचक्यू के अंदर ये एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें तमाम सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और तय किया जाएगा कि आगे जो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था है उसको किस तरह से पुख्ता किया जाए और किस तरीके से जो प्रदेशवासी हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर आज पीएचक्यू के अंदर एक अहम बैठक होने वाली है, जिसके अंदर आपको बता दें तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पुलिस विभाग के अंदर क्या कुछ बदलाव होने हैं और क्या कुछ बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार विभागों के आला अधिकारियों से मीटिंग कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, तो एक सकारात्मक बदलाव क्या कुछ किए जा सकते हैं उन पर भी चिंतन किया जाएगा इस मीटिंग के अंदर। तो बहुत एक अहम मीटिंग इस समय पीएचक्यू के अंदर आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कर रहे हैं और तमाम आला अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि राज्य के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर लगाम किस तरह से लगाई जाए। तो इसको लेकर एक अहम बैठक पीएचक्यू के अंदर सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में इस समय शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएचक्यू पहुंच चुके हैं और तमाम आला अधिकारी इस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री को फीडबैक दिया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेंगे और चूंकि लगातार मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के दौरे पर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे थे, वहां से फीडबैक ले रहे थे जनता से, और अब जब वो जयपुर आते हैं तो इस तरह की अहम बैठकें सभी विभागों के में लेते हैं और आज पीएचक्यू के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, जहां सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक पीएचक्यू में इस समय शुरू हो चुकी है। आप सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं इस बैठक की, जिसमें प्रदेश के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। मैं श्रीमान ये भी
विकासित करना चाहूंगा कि अग्रेसिव पॉलिसी के परिणाम स्वरूप देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही है और सभी प्रमुख त्योहार शांति एवं सौहार्द वातावरण में संपन्न हुए। आम नागरिकों से सहज संपर्क स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच बढ़ाई गई। फेसबुक पे हमारे फॉलोअर राजस्थान पुलिस के 1,13,000 है, इंस्टाग्राम पे 52,000 है और ट्विटर पे 7,90,000 है। सुरक्षा ग्राम रक्षक पुलिस सदस्यों को भी जनता तक पहुंच बनाए रखें। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज PHQ के अंदर एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अपराध को लेकर ये समीक्षा बैठक जिसमें DGP और मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ तमाम रेंज IG और SP लेवल के अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज इस बैठक का आयोजन हुआ है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे तमाम योजनाओं का, उसी के तहत सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री का फीडबैक रहा और एक अहम बैठक आज आयोजित की गई सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर PHQ के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री सहित तमाम प्रदेश के आला अधिकारी, खुद मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं, DGP मौजूद हैं और तमाम रेंज IG और SP इस बैठक के अंदर मौजूद है। और बढ़ते अपराधों पर किस तरह से लगाम कसी जाए उसको लेकर आज ये समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं और जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री इस तरह की बैठक ले रहे हैं तो एक बड़े बदलाव और सकारात्मक बदलाव सुरक्षा की दृष्टि से देखने को मिलेंगे आगामी दिनों में। और इस समय आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे थे इस बैठक की, जहां पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे, DGP मौजूद थे और मुख्य सचिव उषा शर्मा खुद मौजूद थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस समय ये मीटिंग शुरू हो चुकी है PHQ के अंदर और इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीडबैक ले रहे हैं तमाम अधिकारियों से, सुरक्षा से संबंधित तमाम विषयों पर इस बैठक के अंदर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद ये तय है कि एक बड़े बदलाव, सकारात्मक बदलाव प्रदेश के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से देखने को मिलेंगे।